हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहना कहाँ तक समीचीन है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है, आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ तक सही है ये बताना है हमें। तो तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, यानी कि तर्क के साथ बताइए कि ये कहाँ तक सही है, सही बात है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन को पूछा गया है आधुनिक काव्य के प्रणेता, यानी कि आधुनिक काव्य को जन्म देने वाले, ठीक है, कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि व्यक्तित्व पर परिचयात्मक लघु निबंध लिखिए। ठीक है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा सा बताना है हमें। ठीक है, उसके अलावा पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि रूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो किस रूप में कवि हैं, उस चीज के बारे में हमें बताना है। उसके अलावा पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक हैं, उनके कवि रूप के विषय में भी संक्षेप में बताइए। आंसर देखिए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक या जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये लाइन आपकी सबसे पहले आएगी, क्योंकि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक या जनक कहे जाते हैं। इसीलिए जो हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी, मतलब हिंदी आधुनिक साहित्य की जो शुरुआत हुई है, उसमें सबसे पहले और मुख्य नाम जो लिया गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिया गया है। इसीलिए जो शुरुआत होती है जब हिंदी साहित्य की, तो आधुनिक हिंदी साहित्य की, तो उस समय पर हम बात करते हैं भारतेंदु युग से, है ना। तो यहाँ पे अभी हमने इस लास्ट वीडियो में भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आया भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़े हुए प्रश्न है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए उन्होंने हिंदी साहित्य को प्राचीनता से मुक्त करके आधुनिकता के साचे में ढालने का श्री गणेश किया। प्राचीनता से मुक्त करके, यानी कि ब्रज भाषा में पहले रचनाएं की जाती थी, उसे खत्म किया और उसके बाद यहाँ पे खड़ी बोली में रचनाएं करनी शुरू की। ठीक है, अभी तक हिंदी साहित्य में पद रचना ही होती थी, किंतु भारतेंदु बाबू ने युग की मांग को पहचानते हुए हिंदी में गद्य का आरंभ किया। यानी कि इससे पहले कैसी रचना होती थी, पद रचना होती थी। आपने जितनी भी रचनाएं पढ़ी थी गीति काल तक, वो कैसी रचनाएं पढ़ी थी, पद में पढ़ी थी। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आता है, हमारी जो रचनाएं आ जाती है, हमारी जो कविताएं आ जाती है, हमारे जो ग्रंथ आ जाते हैं, वो किसमें आ जाते हैं, पद में आ जाते हैं। ठीक है, हमने साकेत पढ़ा था, वो किसमें था, पद में था। ठीक है, कामायनी पढ़ी थी, नहीं कामायनी तो गद्य में आती है, उसमें पद में आती है। साकेत किसमें था, गद्य में था, और भी जो रचनाएं थी वो गद्य में आती है। तो बहुत सी गद्य रचनाएं, या फिर हम कह सकते हैं कहानी और नाटक, और इन सब का जो विकास हुआ वो किसमें हुआ, गद्य रचनाओं में हुआ। तो ये सब का जो विकास हुआ वो कब से शुरू हुआ, आधुनिक काल से। आधुनिक काल से पहले, यानी कि गीति काल तक, कोई भी कहानी नहीं लिखी जाती थी, कोई भी नाटक नहीं लिखा जाता था, कोई उपन्यास नहीं लिखा जाता था। तो ये सबकी जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी, आधुनिक काल से हुई थी। किस भाषा में हुई थी, खड़ी बोली में हुई थी। ठीक है, इससे पहले जो भाषा थी वो पद चलता था, और उसकी भाषा कौन सी चलती थी, ब्रज भाषा। ठीक है, पहली बार उन्होंने अब तक चली आ रही ब्रज भाषा का आंचल छोड़कर खड़ी बोली को गद्य की भाषा के लिए अपनाया। उन्होंने खड़ी बोली गद्य की भाषा को जिस रूप में ढाला, वही रूप आगे चलकर साहित्यकारों द्वारा स्वीकृत ही नहीं हुआ, वन सामान्य जन और राजनीतिज्ञों द्वारा भी उसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, बाबू हरिश्चंद नामधारी, यानी कि बाबू हरिश्चंद नाम वाले इस महान व्यक्तित्व से चमत्कृत और प्रभावशाली होकर ही भारत की जनता ने इन्हें आदर प्रेम से भारतेंदु, अर्थात भारत का इंदु की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, तो ये जो हरिश्चंद जी हैं, इनके आगे जो भारतेंदु लगा, ये किसने दिया, भारतीय जनता ने इन्हें प्रेम से ये उपनाम दिया। ठीक है, भारतेंदु क्या है, उपनाम है, और हरिश्चंद इनका नाम है। ठीक है, भारतेंदु का अर्थ क्या है, भारत के इंदु। ठीक है, इस नाम से इन्हें विभूषित किया गया। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं, छोटा सा जीवन परिचय देखना है, बहुत लंबा नहीं देखना हमें। भारतेंदु जी का जन्म काशी में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके
पिता गोपाल चंद गिरधर दास ब्रजभाषा में कविता करते थे। माता की मृत्यु तभी हो गई थी जब ये 5 वर्ष के थे तथा पिता की मृत्यु के समय इनकी अवस्था 10 वर्ष की थी। भारतेंदु विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अनेक सभाओं संस्थाओं पुस्तकालयों की स्थापना की और कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया, सॉरी संपादन भी किया। लगभग 35 वर्ष की आयु में क्षय रोग से ग्रस्त होकर वह 1885 ईस्वी में स्वर्ग सिद्धार्थ गए। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक अल्पायु में हुई थी। कब तक, कितने वर्ष की आयु में हुई थी इनकी मृत्यु? 35 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो आगे देखिए, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार माने जाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य में जिस समय भारतेंदु जी ने पदार्पण किया उस समय भारतीय समाज राष्ट्रीय नवचेतना से आपल्लवित हो रहा था। सड़ी गली मान्यता और रूढ़ियों के प्रति जनमानस में आक्रोश भर रहा था। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में भी नवीन चेतना जागृति एवं संस्कृति के दर्शन हो रहे थे तथा हिंदी में गद्य का रूप सने यानी धीरे धीरे अपने विकास पथ पर अग्रसर हो रहा था। भारतेंदु जी ने कवि के रूप में हिंदी साहित्य का पदार्पण किया। उन्होंने रीतिकाल की गलियों में बिहार करने वाली कविता कामनी को राष्ट्र चेतना के स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में विचरण न कराया। वे बहुमुखी प्रतिभा लेकर अवतीर्ण हुए थे, यानी कि वो बहुमुखी प्रतिभा के साथ ही जन्मे थे। उन्होंने कविताएं तो लिखी ही, नाटक निबंध के लेखन की भी जोरदार शुरुआत की। साथ ही उन्होंने अनेकानेक प्रतिभाओं को साहित्य सर्जन के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। उन्हीं के पद प्रदर्शन में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जैसे अनेक साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य की समृद्धि की। यानी कि उन्हीं के जो भी उन्होंने रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर चल के बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघन उपनाम से जाना जाता है, इन और भी इन जैसे अनेक साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य की समृद्धि में योगदान दिया, उसे बढ़ावा दिया, उसे आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे देखिए, साहित्य के क्षेत्र में अनेक नए अंकुरित साहित्यकारों का उदय हुआ। काव्य नाटक तथा निबंध साहित्य में उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन अधिक हुआ है, परंतु उनके निबंध की ओर समीक्षकों का ध्यान अपेक्षाकृत कम ही गया है। मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके निबंधों की ओर समीक्षकों का ध्यान कम ही गया है। उनके निबंध इतने पॉपुलर नहीं हुए जितना जिनके काव्य नाटक और निबंध हुए। वे अपने युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। निबंधों में ही उनके विचार, विश्वास और मान्यताएं अपने प्रकट रूप में प्रकट हुई हैं। वस्तुतः निबंध का उदय भारतेंदु जी से ही हुआ है। उन्होंने हिंदी निबंध का जन्मदाता, उन्हें हिंदी निबंध का जन्मदाता कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन कहा नहीं जाता है, कहा जा सकता है, ऐसा बोला गया है। परंतु काव्य के क्षेत्र में भी उनकी प्रतिभा कम विकसित नहीं हुई। आगे देखिए, साहित्य की समृद्धि में अपूर्व योगदान। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भारतेंदु जी आजीवन साहित्य सेवा और साहित्य सर्जन में निरत रहे थे। भारतेंदु जी ने काव्य नाटक निबंध संपादन आदि विविध क्षेत्रों में अमूल्य साहित्य का सर्जन किया। प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, भ्रम विगत्व, विजय वैजयंती, सुमानांजलि आदि उनकी काव्य रचनाएं हैं। सत्य हरिश्चंद, चंद्रावली, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी आदि श्रेष्ठ नाटक हैं। सूर, जयदेव, स्वर्ग में विचार सभा उनकी आलोचना संबंधी पुस्तकें हैं। आगे देखिए, उनके निबंध भारतेंदु के निबंध नामक संग्रह में निबंध है। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका का भी संपादन और प्रकाशन किया था। उन्होंने कुल 35 वर्ष की आयु पाई थी और अपनी इस अल्पायु में वे विपुल परिणाम में साहित्य सर्जन कर गए। लगभग 2500 पृष्ठों में उनका साहित्य भारतेंदु ग्रंथावली के 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। यानी कि भारतेंदु ग्रंथावली नाम से भी एक पुस्तक है जिसके 3 खंड है और इसमें कितने पेजेस हैं? 2500 पृष्ठ हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, भारतेंदु के बारे में सब कुछ लिखा है, उनकी रचनाओं के, उनके ग्रंथों के सबके बारे में मार दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीयता के अग्रदूत। भारतेंदु हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने राष्ट्र भावना को न केवल अपने नाटकों के द्वारा वर्ण कविताओं के द्वारा भी वाणी दी है। उन्होंने भारतीयों की सुस्त राष्ट्रीय चेतना को अपनी कविताओं के द्वारा झिंझोड़ कर जगाया।
इस प्रकार वेगास्तता के अग्रदूत बने। अंग्रेजों के क्रूर शासन तंत्र में दबी कुचली जनता के दुख दर्द को उन्होंने अपनी कविता में वाणी दी। यानी कि अंग्रेजों ने जितना भी हम पे जुल्म किया, जितने भी क्रूर शासक थे वो, तो उस शासन तंत्र में जो भी जनता थी वो किस तरह दबी कुचली जाती थी, किस तरह वो दुख में थी, क्या उनका दर्द था, उस चीज को भी उन्होंने कविता के माध्यम से दर्शाया है। देखिए क्या कहते हैं, कहा है, आबहु रोबहु सब मिलके भागत भाई, हाँ हाँ भागत दुर्दशा ना देखी जाई। यानी कि आओ सब मिलकर, मतलब सब मिलके आओ, सब मिलकर रोते हैं भागत भाई, हाँ हाँ भागत दुर्दशा नहीं देखी जाई। यानी कि हाँ हाँ हमसे भागत की दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। ये भागत दुर्दशा ड्रामा है, उसकी लाइन है ये। तो अंग्रेजों की शोषक नीति पर उन्होंने अनेक स्थलों पर व्यंग किया है। अपनी एक कहम करी में वह स्पष्ट करते हैं, भीतरी भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। आगे देखिए, अनन्य भक्ति भावना। भारतेंदु हरिश्चंद्र राधाकृष्ण के अनन्य भक्त थे। भक्ति भावना उन्हें पारिवारिक संस्कारों में मिली थी। हम चाहकर राधा रानी की घोषणा वे स्पष्ट तौर पर करते हैं। फिर देखिए प्रेम कवि। प्रेम भावना से ओतप्रोत उनकी कविता रीतिकाल के घनानंद बोधा की के कवियों का स्मरण दिला देती है। वे प्रेम दर्श को सबसे ऊंचा मानने वाले थे। तभी वे कहते हैं, एकांगी बिनु काल ने एक रस सदा समान, पियही गने सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण। ठीक है, आगे देखिए भाषा के संस्कारक। भारतेंदु ने खड़ी बोली को अपनाकर उसे राष्ट्रभाषा के पथ पर अग्रसर किया। यानी कि खड़ी बोली को क्या किया, राष्ट्रभाषा के पथ पर लेके गए वो। ठीक है, पद में वे ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते रहे। भारतेंदु जी ने मूलतः ब्रजभाषा से हिंदी खड़ी बोली के क्षेत्र में पदार्पण किया। उनके काव्य की भाषा ब्रजभाषा थी। आगे देखिए, उनकी चंद्रावली नाटिका में भी ब्रजभाषा गद के रूप को देखा जा सकता है। इसके पश्चात उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली पद को अपने लेखन की भाषा बनाया। भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी साहित्य के दो भाषा रूप प्रचलित थे। एक के पथ प्रदर्शक थे राजा लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी को मान्यता दी, और दूसरे रूप थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इनके द्वारा प्रचलित उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, भारतेंदु जी ने मध्यम वर्ग को अपनाया और भाषा के व्यवहारिक रूप को ही मान्यता दी। यद्यपि कुछ निबंधों की भाषा संस्कृतनिष्ठ, मतलब कुछ निबंधों की भाषा में संस्कृतनिष्ठता भी देखी जा सकती है, फिर भी उनकी प्रतिनिधि भाषा अरबी फारसी बोलचाल के प्रचलित शब्दों से युक्त व्यवहारिक भाषा ही थी। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा ही रही। इनकी कविता की भाषा अत्यंत प्रांजल, मधुर और भावानुकूल रही। लोकोक्ति मुहावरों के सटीक प्रयोग से इनकी भाषा जनजीवन के अधिक निकट रही। वे सरल सहज भाषा को ही काव्य भाषा का आदर्श मानते थे। आगे देखिए, विविध छंदों में प्रयोगता। भारतेंदु की एक विशेषता यह है कि उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता का पथ प्रशस्त करने के लिए विविध प्रकार के छंदों को अपनाया। रीतिकाल के लोकप्रिय छंद कवित, सवैया, दोहा, कुंडलिया, छपे और बगवे के अतिरिक्त उन्होंने भक्तिकाल की पद शैली को भी अपनाया। उर्दू की बहरों का प्रयोग करके उन्होंने आधुनिक हिंदी काव्य के लिए नई नई संभावनाओं के द्वार खोले। कजगी, मल्हार, लावनी जैसे लोक प्रचलित छंदों का प्रयोग करके आधुनिक कविता को लोक जीवन से जोड़ने का प्रयास भी किया। अब मूल्यांकन देखिए, निश्चित ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य को एक ऐसी विभूति मिली जिसके अवतरण से उसका सर्वगीण विकास इतनी तेजी से संभव हो पाया। ठीक है, आगे देखिए, सच है हिंदी कविता का आधुनिक युग साहित्य के प्रगण में भारतेंदु के अभिभाव से प्रारंभ होता है। भारतेंदु के समय से लेकर आज तक ही
हिंदी कविता विकास की विभिन्न दशाओं को पार करती हुई अपने वर्तमान रूप में हमारे सामने आती है। हिंदी कविता के इस आधुनिक युग को हम सामान्यता पूर्वाद और उत्तरार्ध दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पूर्वाद में भारतेंदु युग यानी प्रथम उत्थान और द्वितीय में यानी कि द्विवेदी युग द्वितीय उत्थान की काव्य कृतियों को सम्मिलित किया जा सकता है और उत्तरार्ध में द्विवेदी काल की पर्वती कविता को स्थान दिया जा सकता है। भक्ति काल की भक्ति भावना और गीति काल के श्रृंगार भावना के मेल को लेकर भारतेंदु ने आधुनिक काव्य का अभिनव प्रारंभ किया था, किंतु देश समाज की स्थितियों को समझते हुए उन्होंने राष्ट्रता और सामाजिक सुधार के स्वर की भी मुखरित किए, जो आगे चलकर कवियों के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक बने। भारतेंदु युग की कविता संक्रांति काल की कविता है, इस काल के संक्रांति काल की कविता है और स्वयं भारतेंदु जी ब्रजभाषा के प्राचीन और नवीन काव्य के बीच एक कड़ी के समान समाजन है यानी कि समान है। जहां भारतेंदु जी ने प्राचीन परंपरा के अनुसार भक्ति एवं श्रृंगार को अपने काव्य में स्थान दिया है, वहां उन्होंने काव्य को समाज सुधार और देश प्रेम जैसे नवीन विषयों की ओर उन्मुख किया है। अंग्रेजी शासक की स्थापना के कारण उस समय राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में नवचनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। फलस्वरूप इस युग के कवियों ने तत्कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न नूतन समस्याओं और विचारधाराओं को अपनी कविता का विषय बनाया। इस काल के काव्यों में सामाजिक और राजनीतिक जागरण के इस युग में विविध सुधार मूलक आंदोलनों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इस काल के कवियों के ही अग्रदूत नहीं वरन आगे के युगों के कवियों के पथ प्रदर्शक भारतेंदु हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस तरह के कवि थे, कैसे थे और उन्होंने क्या क्या बदलाव लाए, उन्होंने किस तरह से पद रचना की, किस भाषा में गद्य रचना की, किस तरह से उन्होंने गद्य साहित्य का विकास किया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन काव्य की सामाजिक चेतना की स्पष्ट कीजिए, यानी सामाजिक चेतना के बारे में यहाँ पे बताना है। उत्तर देखिए डॉक्टर जयकिशन प्रसार के अनुसार, भारतेंदु युगीन कवियों की सामाजिक चेतना का भाव अंधविश्वास और कुरीतियों की आलोचना में लक्षित होता है। यानी कि भारतेंदु युग के जो भी कवि थे उन्होंने सामाजिक चेतना अपने काव्य में दिखाई थी, सॉरी अपने गद्य में दिखाई थी, अपनी रचनाओं में दिखाई थी। और ये हमें कैसे पता चलता है कि उन्होंने क्या किया था, अंधविश्वास और कुरीतियों की आलोचना की थी। ठीक है, उसमें क्या किया था, अंधविश्वास और कुरीतियों की आलोचना की थी, उन्हें बुरा बताया था। स्त्रियों को विलासिता का साधन समझने वालों की मनोवृत्ति की कटु आलोचना हुई थी। बाल विवाह का विरोध, पश्चिमी गहन सहन का विरोध आदि में सच्चा समाज हित निहित है। इन कवियों की धारणा थी कि सामाजिक उत्थान के अभाव में सच्ची राष्ट्रीय चेतना का विकास संभव नहीं है। यानी कि अगर सामाजिक उत्थान की कमी रखी जाएगी तो सच्ची राष्ट्रीय चेतना का विकास भी नहीं हो सकता। उन्होंने वर्णाश्रम पालन की महत्ता बताते हुए अशिक्षा निवारण और गौ रक्षा की बात भी कही थी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।